हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी बेटी का 29वां जन्मदिन वैसे तो 25 जुलाई को निकल गया, लेकिन वो जॉब की वजह से आ नहीं पाई। अब छुट्टी मिली तो वो आई और मेरी बेटी ने उसके लिए ये कार्ड बनाया था। देखिए ये होममेड कार्ड है और जो चार्ट आते हैं उनसे बनाया है, और इसमें 30 रुपये के जो फोटो हैं वो निकले हैं। तो एक तरह से ये समझिए कि ये 30 रुपये का कार्ड बना है, और उसको इतना अच्छा लगा उसकी दीदी को कि उसने उसको उसके लिए थैंक यू बोला, क्योंकि इसमें उसकी शादी के फोटो भी लगे हुए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे इसमें। ये देखिए, इसमें उसने सारे मैसेज भी दे दिए हैं अपनी दीदी को। और अपन यदि घर में कार्ड बनाएंगे तो वो बाजार के कार्ड की बजाय ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, सारे ही फोटो उसने करीब करीब इसमें ले दिए। इस तरह से कार्ड बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आता है दोस्तों सेकंड नंबर का गिफ्ट। ये देखिए, उसकी दीदी अनबॉक्सिंग कर रही है, उसको इतनी खुशी हो रही है। ये 5 स्टार का पूरा पैकेट है, ये आया था 150 रुपये का। ये दूसरी चॉकलेट है, ये 70 रुपीज़ की थी। ये उसकी पापा की तरफ से गिफ्ट है, उन्होंने एक चीनी की केटल दी थी जिसकी प्राइस शायद 150 या 200 है, जेंट्स को याद नहीं रहता है कि कितनी है, तो इतना ही बता रहे थे, 150 या 200 रुपये के बीच की है। इसमें करीब 2 या 3 कप चाय आराम से आ जाती है, और दिखने में बहुत सुंदर है। जो इसका गोल्डन जो है, इसके ऊपर का कवर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसी की वजह से ये ज़्यादा सुंदर लग रही है, और चिंकी को बहुत पसंद आई है। इसके बाद आता है दोस्तों, हम चिंकी के लिए शोपीस लेकर आए थे। इस शोपीस में एक जो है ये फ्लावर है, ये कौन सा चुनमुन नहीं पसंद कर रहा था मुझे नहीं पता है। तो यदि अपन इसके ऊपर डालेंगे, थोड़े पानी में 2-3 बूंद डालेंगे और नीचे से दीपक जलाएंगे तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी। उसके बाद आता है लिटिल हार्ट का ये छोटा सा पैकेट। यदि आप किसी बच्चे को देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा, और बहुत अच्छे होते हैं, 30 रुपीज़ का है। इसके बाद आता है दोस्तों ये गिफ्ट, उसके साथ लिटिल हट के साथ हमने हाइड एंड सीक के बिस्कुट भी कॉम्बो पैक में कर दिए थे। इसके बाद आता है दोस्तों ये वाला गिफ्ट सभी को देना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। ये हैं बुद्धा जी, ये मात्र 80 रुपीज़ के हैं। ये देखो मौली भी बैठी है हमारे साथ। इसके बाद हमने कॉम्बो पैक में, बताइए क्या है इसमें, इसमें है हाजमोला। हाजमोला की सीसी 45 रुपीज़ की है, और ये जो गटागट आती है बच्चों की, ये सभी को बहुत अच्छी लगती है, 10 रुपये की है। इसके बाद आता है ये गिफ्ट, देखो दोस्तों, जब अपन दुकान पे पैक करवाते हैं तो बहुत अच्छे से पैक करते हैं अपन लोग, चाहे घर में कितना भी अच्छा कर ले पर नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ कुछ गिफ्ट करवा लिए थे हमने दुकान से। ये है विंड चाइम। ये देखिए, ये मेरी बेटी ने 2-3 बार देखी होगी दुकान पे, लेकिन ली नहीं, क्योंकि उसे प्राइस ज़्यादा लगा, और आज मिली तो बहुत खुश हुई थी वो। इसके बाद आता है दोस्तों, देखिए ये है रुमाल का पैकेट। ये 2 आए थे, बाय वन गेट वन फ्री है, 99 रुपीज़ के 2 आए, तो 50 रुपीज़ का एक पड़ गया था, मतलब 50 रुपीज़ के 3 रुमाल। इसके बाद आती है दोस्तों ये टेंशन कम करने वाली चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। इसे खाना चाहिए, कहते हैं कि इससे जो है टेंशन कम होती है। अपने फ्रिज में रख लो, थोड़े थोड़े पीस रोज़ खा लो तो अच्छा भी लगता है, और मुझे तो लगता है शायद कि इससे टेंशन कम होती है। आप बताइएगा, आपने खाई तो आपको कैसा फील हुआ था। ये 100 रुपीज़ की है। इसके बाद आती है दोस्तों सर्दी में काम आने वाली नीविया, ये भी 90 रुपीज़ की है शायद। इसके बाद हमने कॉम्बो पैक कर दिया था हेयर बैंड और इयर रिंग का। ये इयर रिंग 100 रुपीज़ के हैं, और हेयर बैंड का जो पैकेट है वो 25 रुपीज़ का है। इस तरह से अपन कॉम्बो पे करके देंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा लगता है, गिफ्ट खोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, और दिखता है कि हाँ कुछ दिया है अपन ने सामने वाले को। तो 2-3 चीज़ें कॉम्बो पैक में करके दीजिए। ये इयररिंग्स हालांकि हमें पता नहीं था उसको पसंद आएंगे कि नहीं, लेकिन उसको अच्छे लगे थे। ये छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं ये। ये देखिए,
जब उसने ये सारी चीजें खोली तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। छोटे हैं परंतु बहुत अच्छे हैं ये देखिए। इसके बाद दोस्तों ये थैला बनाने का आइडिया मेरा था। गिफ्ट पैक करने के लिए हमने मेरी मम्मी का जो अस्थमा का इनहेलर है उसका बॉक्स लिया जो खाली पड़ा हुआ था, उसके अंदर दो नेल पॉलिश रखी। ये 50-50 रुपीज़ की नेल पॉलिश है दो। तो इस तरह से कोई भी चीज़ पैक करके देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और नेल पॉलिश से भी ज़्यादा उसको ये जो मैंने थैला बनाया था घर में ही वो बहुत अच्छा लगा उसे, छोटा सा। तो इस तरह से कोई भी चीज़ अच्छे से गिफ्ट मतलब पैक करके दीजिए तो बहुत अच्छी लगेगी। नेल पॉलिश के कलर भी उसे बहुत अच्छे लगे। ये देखिए वापिस उसने थैले में पैक करके रख दिए। इसके बाद आता है दोस्तों, ये भी हमने कॉम्बो पैक करके दे दिया था। इसमें 5 रुपए के 2 OS के पैकेट थे, एक 5 रुपए का कल्स का पैकेट था और नमकीन थी 30 रुपए की, जो कि फरियारी नमकीन भी बोलते हैं इसको। ये उसे बहुत अच्छी लगती है। तो सामने वाले को जो चीज़ अच्छी लगती है वो 2-3 पैक करके दीजिए। इसके बाद आता है दोस्तों ये परफ्यूम, वर्साचे का है। ये शायद 3000-350000 इस रेंज में है, लेकिन बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। सामने वाले के काफ़ी दिन तक चलेगा और उसे हमेशा याद रहेगा। और मेरी बेटी को बहुत इच्छा थी ये लेने की, तो उसने जब देखा तो वो बहुत खुश हुई। इसकी जो है स्मेल है वो बहुत ही अच्छी है और काफ़ी टाइम तक कपड़ों में रहती है। कपड़े धुल भी जाते हैं उसके बाद भी ये उनमें बनी रहती है। इसके बाद आता है दोस्तों, वही कॉम्बो पैक कर दिया हमने। इसमें हमारे यहाँ एक नामक की दुकान है, छोटी सी दुकान है पर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बच्चे वहाँ पर हमेशा बने रहते हैं उस दुकान पे, क्योंकि वहाँ चीज़ें ही इतनी अच्छी अच्छी मिलती हैं। और वो 2 रुपए की नमकीन भी दे देता है। आज के ज़माने में 2 रुपए की नमकीन कौन देता है, लेकिन वो 2 रुपए की नमकीन भी दे देता है। तो बच्चे उसकी दुकान पर बहुत आते हैं। तो हम वहीं से लेके आए थे ये बड़ी वाली जो है गटागट होती है, इमली की बनी हुई है और इसका स्वाद बहुत ही मस्त है। इसको खाते ही इतना अच्छा लगता है कि पुराना ज़माना याद आ जाता है। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 पीस आए थे, ये शायद दवाई का पैक था तो हमने इसमें यूज कर लिया था और इसे पैक कर दिया। ये देखिए 3 पीस हैं, इसे आप बड़ी वाली गटागट बोल सकते हैं, इमली वाली गटागट। उसके बाद स्टिक वाली इमली, ये भी खाने में बहुत अच्छी है और इसके अंदर से इमली का बीज भी निकलता है। वो लेकर अपन चंगा अष्टा पे भी खेल सकते हैं। ये देखिए ये हमने 5 रख दी थी, ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद दोस्तों एक मूंग दाल का पैकेट, जो कि मूंग दाल बहुत अच्छी लगती है सबको, वो सिर्फ 5 रुपए का था। तो इस तरह से हमारे ये 15 रुपए का कॉम्बो पैक कितना अच्छा लग रहा था। और किसी बच्चे को देंगे तो वो महंगे गिफ्ट के बजाय इसको ज़्यादा पसंद करेगा। ये देखिए। इसके बाद आता है दोस्तों, आजकल चीनी के कप फूट जाते हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं तो उन्हें धोना भी पड़ता है उसको। तो उसके लिए हमने एक स्टील का कप जो कि 100 रुपीज़ का था वो लिया, ताकि उसको इसको कैरी करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। इसकी पैकिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि कप है, यदि कोई डब्बा होता तो उसमें रख के और पैकिंग होती तो ज़्यादा अच्छे से होती, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने ऐसे ही पैक कर दिया। ये भी उसे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं।
इसके बाद दोस्तों ये हमने छोटी सी मिनी बास्केट कह सकते हैं इसको, ये ली थी हमने तो पेन वगैरह या चम्मच है चक्कू ये रखने के लिए ली थी, लेकिन उसने बोला मैं तो अकेली रहती हूँ तो पाव भर प्याज पाव भर आलू लाती हूँ, तो मैं तो इसमें वो रखूँगी, तो वो भी रखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। ये देखिए ये मात्र 20 रुपये की है। इसके बाद आता है दोस्तों ये कीचेन है। जब ये ले रहे थे तो मेरी बेटी ने मना किया था ये अच्छी नहीं लगेगी, और मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा था, हालांकि ये 70 रुपीज़ की थी, लेकिन इसमें जो फ़ोटो लगा हुआ है ये मेरी बेटी के बचपन का, वो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने इसे कस्टमाइज गिफ्ट बोला और बोला कि ये सबसे अच्छा लगा मुझे गिफ्ट। इसी के साथ हमने बेटी के लिए जो है ईयरफोन, आजकल बहुत यूज की चीज़ है, तो उसका कवर दिया था। इस ईयरफोन के कवर को अपन और कोई भी यूज में ले सकते हैं, जैसे छोटे छोटे ईयरिंग्स रख सकते हैं या कोई भी छोटी सी चीज़ रख सकते हैं, तो इस तरह से ये 2-3 यूज में आएगा। इसके बाद आता है दोस्तों ये हमने इसी के साथ कॉम्बो पैक कर दिया था, ये चूड़ियाँ हैं 150 रुपये की, 4 हैं ये भी उसे बहुत पसंद आई। हाँ उसने उसी टाइम पहन भी ली थी, ये देखिए। हाँ ये थोड़ी सी उसे छोटी रही, हम इसे चेंज करवा के लाएंगे, पहले ही बात करके आए थे दुकान पे, पहले ही बात कर लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में वो थोड़ा ऐसे ही करते हैं, अपन वापस जाते हैं तब। इसके बाद देखो दोस्तों अपन इसको जो आसपास लगाते हैं बंधनवार, वो बोल सकते हैं हम गणेश जी के लेके आए थे, ये भी ज़्यादा प्राइस नहीं है इनका, ये 150 रुपये के हैं सिर्फ। ये देखिए ये इस तरह से दरवाजे के आसपास लगेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। इसके बाद दोस्तों हमने एक अंकल चिप्स का पैकेट भी रख दिया था, वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, ये मात्र 20 रुपीज़ का है। सारे गिफ्ट खोलते टाइम उसके जो चेहरे पर भाव थे वही मेरी छोटी वाली बेटी को देखने थे, क्योंकि उसी ने बहुत मेहनत करी थी इन सब में, तो वो भी बहुत खुश हुई उसको गिफ्ट खोलते देखकर। ये देखिए गर्ल्स होती हैं उनके लिए क्लचर बहुत अच्छा गिफ्ट है, ये अच्छी कंपनी का लीजिए तो काफ़ी टाइम तक चलते हैं और अच्छे रहते हैं। उसके बाल बड़े हैं तो मैंने उसके लिए बड़ा वाला क्लचर लिया, ये मात्र 20 रुपये का है। इसके बाद दोस्तों जो आजकल के बच्चे हैं उनको जो डाटा अपना जो मतलब सेव करके रखने के लिए पेन ड्राइव बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये 16 GB की पेन ड्राइव 300 रुपये की आई थी। यदि अपन ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये और कम की पड़ती है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हम बाज़ार से ही लेकर आए, और फिर उसने बोला 16 GB की जगह 32 GB की शायद 400 रुपये की थी, तो हम उसको चेंज करवा के 400 रुपये देकर और 32 GB की लेके आएंगे, तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत ही यूजफुल गिफ्ट है। थोड़ी पैकिंग ज़्यादा ही कर दी हमने तो खोलने में टाइम लग रहा है। ये देखिए ये आइडिया भी मेरी छोटी वाली बेटी ने ही दिया था। इसके बाद अब आखिरी चल रहा है दोस्तों गिफ्ट का दौर, ये सेल हैं घड़ी के जो कि हमेशा काम आएंगे, कभी भी
घड़ी रुक जाती है तो उस समय अपने पास रखे होते हैं तो अपन फटाफट लगा लेते हैं। वैसे भी बंद घड़ी अच्छा नहीं मानी जाती अपने घर में, तो हमें ये गिफ्ट भी बहुत अच्छा यूज़फुल लगा। और 6 का पेक है ये। इसके बाद दोस्तों ये तो सदाबहार गिफ्ट है, हमेशा का सेलिब्रेशन का पैकेट, ये आया 300 रुपये का। इसमें 5 तरह की डेरी मिल्क हैं, एक तो मिल्क वाली है, एक नॉर्मल है, एक डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट है, डेरी मिल्क रोस्टेड आलमंड है और डेरी मिल्क क्रेकल है। तो इस तरह से ये सारी इसको गिफ्ट बहुत अच्छी लगी, ये देखिए। और 5 स्टार भी है, 3D 5 स्टार भी है। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये गिफ्ट कैसे लगे सारे, और कमेंट करके ज़रूर बताना। इसे हम घर में भी पैक कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पैक हो जाता है। तो प्लीज़ थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।